रोटी वादा, रोजी वादा, तन रखने को कपड़ा वादा, और आखिर में इसके मैंने यही कहा है कि और नहीं, बस और नहीं, वादों से जी डलता है। बहुत सारे वादे किए गए, ख्वाब देखे कि रोटी भी होगी सबके पास, रोजी भी होगी, कपड़ा भी होगा, किसी का बच्चे का हाथ फैला नहीं होगा, घरों के अंदर नफरत के सैलाब एकदम से उमड़ के नहीं आ जाएंगे, पर ये वादे वादे ही रहे। ये ख्वाब कि ये चीज़ें नहीं होंगी समाज के अंदर, एक बेहतर समाज होगा, आज भी एक ख्वाब है। और मैं समझता हूँ कि हमें लोगों के दिलों को, दिमागों को, दोनों को टच कर, लोगों के जो ख्वाब हैं, अगर हम उनको एक जगह इकट्ठा करके ये देख सकेंगे कौन से ख्वाब हैं जो सारे हिंदुस्तान की गरीब जनता को, आम जनता को बांटने के बजाय इकट्ठा करते हैं। ऐसे भी ख्वाब मौजूद हैं जो देश को बांटने के ख्वाब हैं, लेकिन ऐसे ख्वाबों को अगर हम इकट्ठा कर पाएँ जो हमारी सारी दीवारों के को तोड़ करके, उनके उनमें छेद करके, बिहारी और महाराष्ट्रियन की के बीच के टकराव को तोड़ करके वो ख्वाब निकल जाते हो, ऐसे ख्वाबों को इकट्ठा करें तो शायद हम एक बार फिर इनकलाब ला पाएंगे। थैंक यू सर।